आरबीएसई बोर्ड यानी कि राजस्थान बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज के यू में। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया था जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो इस वीडियो में एनुअल एग्जाम 2018 संस्कृत का क्वेश्चन पेपर आप देखने वाले हैं। सो जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपको मिले, नामांक यानी कि रोल नंबर यहाँ ज़रूर लिखें। सबसे इम्पोर्टेंट ये सीरियल नंबर, कोड नंबर SS12 संस्कृत साहित्य, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 एंड प्रिंटेड पेजेस 7। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2018 संस्कृत साहित्यम, समय आपको मिलेगा 3.25 घंटे का और पूर्णांक होगा 80 का। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश, परीक्षार्थी भी ही सर्वप्रथम स्वप्रश्न पत्रोपरि नामांक अनिवार्यतः लेख्यः, यानी कि परीक्षार्थियों को सबसे पहले अपने प्रश्न पत्र के ऊपर नामांक यानी कि रोल नंबर अवश्य लिखने हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में ही दें। प्रत्येक प्रश्न के प्रश्न भाग के उत्तर क्रमानुसार एक ही स्थान पर लिखें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखता, यानी कि ये एक पद्यांश है और इसे पढ़कर इन तीन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, ये एक गद्यांश है और इस गद्यांश को पढ़कर इन तीन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, ये एक नाट्यांश है यहाँ से लेके यहाँ तक और ये इसके तीन प्रश्न हैं, इस नाट्यांश को पढ़कर इन तीन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। और प्रश्न संख्या 4 में ये रेखांकित यानी कि जो भी अंडरलाइन शब्द हैं इनको बदलकर कोई प्रश्नवाचक शब्द लगाकर प्रश्न निर्माण करना है। क्वेश्चन नंबर 5, इनका भावार्थ हिंदी या संस्कृत में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, इस श्लोक का अन्वय और सरल अर्थ हिंदी या संस्कृत में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्द का हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, विरलाहा इति तेषाम उपदेष्टारा इत्यस्य तेषाम सर्वनाम स्थाने संज्ञा पदम लिखना है, यानी कि इसमें जो भी सर्वनाम पद है उस स्थान पर संज्ञा पद लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपको कर्तृपद लिखना है, इसमें आपको विशिष्य पद लिखना है, इसमें पर्याय पद लिखना है और इसमें जो भी अंडरलाइन है इसका विलोम शब्द लिखना है, इसमें कौन किससे कहता है ये लिखना है और वेद वेदानाम रचनाकाल विषय में कोई तीन विदुषों के मत संक्षेप में लिखना है, विदुषा यानी कि विद्वानों की मत लिखना है वेदों का रचना काल, इस विषय में ध्यान रखें, और केशाम यानी कि कोई। प्रश्न संख्या 15, कस्य नाटकस्य कथानक, इसके किस अंक से विभक्त ये कथानक है और ये किस नाटक से लिया गया है ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16, कस्य गद्य काव्यस्य उत्तरार्ध भाग भूषण भट्टेन पूरिता अस्य पूर्वभाग केन लिखिता, यानी कि किस गद्य काव्य का उत्तरार्ध भाग भूषण भट्ट ने पूरा किया था और इसका पूर्व भाग किसने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 17, इनका संक्षिप्त में उत्तर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18, किसी एक छंद का लक्षण और उदाहरण सहित लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें किसी एक पंक्ति का गणचिन्ह प्रदर्शन करके छंद का नाम उल्लेख करना है। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें किसी एक का अलंकार और लक्षण, अलंकार का लक्षण उदाहरण के साथ लिखना है, यमक अलंकार, उपमा अलंकार या अर्थांतर न्यास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से किसी एक पंक्ति का प्रयुक्त अलंकार के नाम का उल्लेख करके लक्षण लिखना है। क्वेश्चन नंबर 22, ये एक गद्यांश है और इसे पढ़कर इन चार प्रश्नों का उत्तर लिखना है। फिर से एक अपठित गद्यांश, इसे पढ़कर इन चार प्रश्नों का उत्तर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 24, ये दिए गए शब्द हैं और इनको लेकर के इनकी सहायता से एक अनुच्छेद लिखना है आपको, अथवा इन वाक्यों को क्रम से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 25, इनको आपको कोई भी 5 सेंटेंस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करना है, इनमें नीचे जो पद दिए हुए इनका सूत्र लेख पूर्वक संधि विच्छेद करना है।
और इसमें कौन सी संधि है ये भी बताना है, सूत्र उल्लेख करना है, ये लिखा हुआ है सूत्र प्लस उल्लेख पूर्वक। क्वेश्चन नंबर 27, इनका संधि करनी है और उनका जो संधि का नाम वो भी लिखना है। इसमें रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति का उल्लेख हुआ है और उसका सूत्र भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें जो भी समास का प्रयुक्त हुआ है उसका नाम उल्लेख करना है और उसका विग्रह भी करना है। और क्वेश्चन नंबर 30, अधोलिखित ये विग्रह वाक्यों का समास करके समास का नाम उल्लेख ही करना है। सो स्टूडेंट्स, ये था क्लास 12th राजस्थान बोर्ड संस्कृत का क्वेश्चन पेपर, एकदम ओरिजिनल और डिजिटल। मैंने आपको इसमें समझाया भी है हर प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। सो ये वीडियो होप आपको अच्छा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत जल्द हमारे चैनल पर क्लास 12th के संस्कृत के सभी चैप्टर अपलोड होने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।